हैप्पी न्यू ईयर 2023 की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीद, नई आशाएं, ये सब लेकर नया साल शुरू होता है। एक सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति था, उसको बहुत धन कमाना था, बहुत पैसा कमाना था। तो एक बार वो जाता है अपने गुरुजी के पास और गुरुजी को जाकर बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए या ऐसा कुछ काम बताइए जिससे मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर पाऊं, मैं बहुत धनवान बन पाऊं। तो गुरुजी उसको ले जाते हैं एक तालाब के किनारे पर। तालाब के किनारे पर बहुत सारे कंकर पड़े थे वहां पर। तो गुरुजी बताते हैं उस व्यक्ति को कि देखो, ये जो सारे कंकड़ है उसमें एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज को सोना बना सकता है, तुम्हें वो कंकड़ ढूंढ निकालना है। तो वो व्यक्ति को लगा कि ये तो बहुत आसान है, इतने में से मैं ढूंढूंगा कंकड़। तो उसने काम शुरू किया, एक एक कंकड़ ले। पर गुरुजी ने तब ये बात भी बताई थी कि वो कंकड़ वही कंकड़ है, तुम्हें कैसे पता लगेगा। तो बाकी के जो सारे कंकड़ है वो थोड़े से ठंडे हैं, पर वो जो कंकड़ है वो थोड़ा सा गर्म है, तो तुमको हाथ में लेते ही पता लग जाएगा। तो उसने शुरू कर दिया काम, एक एक कंकड़ लेता, चेक करता और नदी में डाल देता था, क्योंकि सारे कंकड़ के साथ मिक्स नहीं हो जाए इसलिए वो नदी में डालता जाता था। ऐसे करते करते, चेक करते करते, एक कंकड़ लेता, चेक करता, नदी में डाल देता, नहीं हुआ तो। ऐसे एक दिन गया, दो दिन गया, महीना गया, दो महीने गए, तीन महीने गए, चेक करता रहा पर नहीं मिल रहा था। तीन महीने, चार महीने, पांच महीने बीत गए, चेक करे, नहीं लगे, फेंक देता था। चेक किया, नहीं लगा, फेंक दिया। अब धीरे धीरे करते करते ये पत्थर लेकर फेंक देना उसकी आदत बन चुकी थी। अब छठा महीना चल रहा था, अचानक सारे पत्थर करते करते एक पत्थर उसके हाथ में आया, उसने देखा और आदत के हिसाब से पत्थर को फेंक दिया। अब जैसे ही उसने वो पत्थर नदी में डाला, वैसे ही वो अपने सर को उसने जोर से ठोका कि बाप रे, ये तो वही पत्थर था जिसके लिए मैं खोज में लगा हुआ हूं और उसी पत्थर को मैंने आदत के हिसाब से फेंक दिया। देखो कितनी सही बात है, दिन को ऐसे ही टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने की, या दिन आया है, दिन उगा है तो खत्म भी हो जाएगा, करते 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 हमारे जीवन में भी सालों खत्म हो जाते हैं, पीछे सालों का ढेर लग जाता है और 2023 नया साल आ जाता है। तो देखो ये स्टोरी इसलिए मुझे बहुत सुंदर लगी कि जैसे कंकड़ को फेंकने की ये आदमी की आदत बन चुकी थी, वैसे ही हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं हमारी ये तो आदत नहीं बन चुकी है कि जो नया दिन, एक एक दिन जो 2023 की का जो वर्ष नई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है, उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही हम अपनी आदत के हिसाब से वेस्ट तो नहीं करने वाले। इसीलिए ये स्टोरी का मॉरल बहुत सुंदर है कि देखो, एक तो बहुत जरूरी है कि नेवर लूज होप, जीवन में आशा या उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कल का दिन या नेक्स्ट मोमेंट हमारे जीवन में क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी ये हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और दूसरा, बी अलर्ट एंड शार्प। कभी कभी हम लथार्जिक हो जाते हैं हमारे कमिटमेंट के लिए, हमारे काम के लिए, कि ठीक है कुछ हो तो रहा ही नहीं है, या ठीक है चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा। तो इसीलिए बी अलर्ट एंड शार्प। और दूसरा, गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी मोमेंट एंड ईच एंड एवरी डे। तो इसी समझ और इसी कमिटमेंट के साथ 2023 को शुरू करते हैं
और 2023 की एक भी मूमेंट को या एक भी दिन को हम वेस्ट नहीं करें, केयरफुलनेस के साथ हम हर एक पल को जीवन में एंजॉय करें। इसी विशेष के साथ हैप्पी न्यू ईयर।